तो सीबीएसई की डेटशीट को लेकर के एक काफ़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि तुम लोग को नहीं पता बट एक्चुअल में 30 तारीख को एक ऐसा सर्कल निकला था जिसके अंदर सीबीएसई ने क्लियर कट कर दिया है और बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है। आप लोग के लिए नहीं करिए, आप परेशान मत हो, मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 30 तारीख का एक सर्कुलर है जिसके अंदर सीबीएसई ने साफ साफ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स को बताया। बट रुको, तुम लोग कहोगे प्रैक्टिकल्स का तो मेरे किसी काम का नहीं, पता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल्स होता है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, जिसको तुम चाहो तो आराम से ग्रैब कर सकते हो। बट तुम लोग समझते नहीं, तो अभी मेरी बात को सुनना। गड़बड़ एक्चुअल में कहाँ पर हुई है? गड़बड़ हुई है आपके टीचर्स के प्रति। जो टीचर्स पहले क्या करते थे, यार ये बच्चा थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको ज़्यादा मार्क्स दो। अब भाई सीबीएसई ने साफ मना कर दिया। अब तुम लोगों से जो एक्स्ट्रा मतलब अंडभंड पैसे मांगे जाते थे वो कुछ नहीं मांगे जाएंगे। तुम लोग को यहाँ पे देखो, इस चीज़ को बोलो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्कूल आर कमिटिंग मिस्टेक्स। स्कूल बार बार आपके मिस्टेक्स करता है, स्कूल बार बार कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से सीबीएसई को बार बार बच्चों को गलत असेसमेंट में मार्क्स मिलते हैं। इस बार ऐसी गलती नहीं करेगी सीबीएसई, और सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कट कह दिया है 1 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जो जनवरी का होगा, और 15 भर में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम एंड हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप ध्यान मत दो, सिंपल बात इस पे ध्यान दो कि आपका जो 80 नंबर का थ्योरी होगा, 10th का दिखा रहा हूँ, 12th का भी दिखाऊंगा, उसमें 20 मार्क्स जो आपके इंटरनल के हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, 20 मार्क्स के जो आपके इंटरनल है हर एक सब्जेक्ट के, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने के 100% चांस इस साल से। हाँ, कुछ इन्होंने गड़बड़ करी है, सर्टन रीजन कॉम्पिटेंसी निकाला, 80 मार्क्स वाले में दिक्कत है, बट अगर तुम लोग चाहो तो ये 20 नंबर तुम पक्के कर सकते हो। अब बहुत आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो नो 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 नो, मतलब कि आपके टीचर्स अब आपसे ओवरऑल कुछ नहीं पूछेंगे। सिंपल बात है, मतलब बाहर से कोई आप एग्जामिनर आ करके आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपके टीचर्स आपसे ओरल ले भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक मान सकते हो इतना इजी होगा कि गारंटी है यार कि 20 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, और गारंटी के साथ पक्के हैं। 12th की बात करूँ, 12th में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान से देखना। बट उसके पहले 10th के बच्चों के लिए एक काफ़ी ज़रूरी बात, क्योंकि देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुम्हारे लिए लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स के अंदर वो भी काम आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर PW का, मैंने खुद हैंड रिटन में चेक करा है, अगर तुम 10th के हो, क्योंकि इसके अंदर 5 साल के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, किसी ने भी नहीं कराई है, उसके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा करके नए क्वेश्चन फॉर्म करके सॉल्व करके उनको तुम लोग को दिया गया है। तुम लोग अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद आंसर को चेक करो। 15 सैंपल पेपर के साथ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर बाय कर लेना, नहीं तो एक बार चेक करो, सबसे बेस्ट है, एक बार लिंक पर जाकर के चेक करना। अब आता है 12th की तरफ, तो 12th की बात करो तो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि 12th का एकदम अलग है, 80 नंबर 20 नंबर, बट नीचे चलोगे तो किसी में आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रोजेक्ट भी हैं, और आपके यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी है। तो कैसे कैसे होगा इस चीज़ को देखो, तो मेन सब्जेक्ट की बात करूँ, सबसे पहला आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स, जो कि ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, 80 मार्क का आपका थ्योरी होगा, 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, कॉपी और जो आप प्रैक्टिकल्स बना करके दोगे उसमें हो गया काम। फिजिक्स की बात करूं, देखो इसके अंदर आपका कोई भी मैथ्स है ना, हाँ मैथ्स में आपका कोई भी बाहर से एग्जामिनर नहीं आएगा, कोई एग्जाम लेने। फिजिक्स की बात करूं, 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल्स होगा, और बाहर से भी आपके लोग आएंगे इस चीज़ के लिए जो पूछने आपसे। केमिस्ट्री की बात को 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का बाहर से आएंगे। बायोलॉजी की बात को 70, 30 और यस, और इस तरीके से आपका सारा कुछ लिखा हुआ फिजिकल एजुकेशन में भी। मैं आपको इसका PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, नीचे मेरा टूरिज्म स्टडी करके होगा एस नहीं है लास्ट में, इसका मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली PDF जो है वो सेंड कर दूंगा, तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। और सब चीज़ देख लेना, एक एक चीज़ को ध्यान से देख लेना, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टीचर इस बार आपको एक्चुअल में नंबर देगा, बट 20 नंबर इंटू में 5 ये हो जाता आपका 100, और अगर तुम लोगों ने 60 नंबर हर में ले लिया, 60 इंटू में 5 तो ये हो जाता आपका लगभग 300, और 300 और प्लस 100 हो जाता आपका 400, और 400 को अगर डिवाइड करो 500 के साथ तो आपका होगा यहाँ पे 0.8 करके कुछ होगा, और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 80% के करीब नंबर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा बन सकते हैं अगर तुम मेहनत करोगे। तो ये 20 नंबर तो भाई अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें मात खा गए, जितना कम मार्क्स करोगे उतने मार्क्स तुम्हारे फ्री के चलते चले जाएंगे, इस बात को समझो। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए।